फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जानी खाती किचन और आज हम बना रहे हैं एप्पल शेक। एप्पल शेक बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए एप्पल है हमारे पास दो मीडियम साइज़ एप्पल ले लिए। इसको पीलो करके तो हमने इसको कट करके रख लिया। इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे हम 2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शुगर यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून रेगुलर शुगर ले लिया है हमने इसमें, और हमारे पास है मिल्क, मिल्क को हमने ले लिया है 1 ग्लास। और अब इसको हम ब्लेंडर में डालकर तो अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे। चलिए, हमने अपने मिल्क शेक को एप्पल मिल्क शेक को ब्लेंड कर लिया, और अब हमने अच्छे से 2 ग्लासेस ले लेंगे और इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। और मैंने पहले ही मिल्क शेक में भी आइस क्यूब्स ऐड कर दिए थे जब ब्लेंड करने से पहले ही, और उसको जो हमने मिल्क लिया वो भी अच्छा सा चिल्ड ही लिया ताकि हमारा शेक जो है अच्छा सा चिल्ड ही रेडी हो। अब हम ग्लासेस में ऐड कर देंगे मिल्क शेक। इतना मज़ेदार सा और हेल्दी शेक हम बनाया है हमने आज, और आप इसको बच्चों को बना कर दें, ब्रेकफास्ट में बना के दें ताकि बच्चे इंजॉय करें। और इसे हम एप्पल से गार्निश कर लेंगे ग्लासेस को ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। देखें, चलिए जी, हमारा एप्पल मिल्क शेक रेडी है। इतना मज़ेदार सा हेल्दी और इजी रेसिपी, फास्ट ईजी एंड फास्ट रेसिपी। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को बना के दें, ब्रेकफास्ट में बनाएं, इंजॉय करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय आपके चैनल, अल्लाह हाफिज़।